ओडिया रोसी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। सब्सक्राइब पाखे बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु। ऑल बटन क्लिक करी ओडिया रोसी रा सब नुआ नुआ वीडियो आपण फास्ट देखि परिबे। नमस्कार, स्वागत करुछि ओडिया रोसी की। आज मु आपण मानन सहित शेयर करबी फुलकोबी भजा, फुलकोबी आलु भजा। बहुत ही सिंपल रेसीपी आउ इजी रेसीपी, आपण माने समस्ते भी जानिछंति। आउ एटा मु जाने की बनेछि खास करे छोटो पिला मानको पई, स्कूल को भी नै परिबे बहुत आराम से। किछि भी मसाला भी ऐड करा हैनि, आउ बड़ लोक भी खाई परिबे जो माने मसाला बहुत पसंद करंतिनि। तो चलंतु स्टार्ट करिनबा आजरा ही सिंपल एंड इजी रेसीपी। आलू कोबी भजा प्रस्तुत करिया पई एठि मु आवश्यक सामग्री नै आइछि। एठि मु कोबी को एपरि काटिके हलदी पानी रखि देछि। एबे जेहेतु कोरोना टाइम चलछि हलदी पानी रखि देले भल। 250 ग्राम हब कोबी नै आइछि। आउ एठि मु छोटो दुटा पियाज को एपरि लंबा लंबा साइज रो कट करि नैछि। आउ एठि दुटा पियाज को मु एहिपरि काटि देछि चारि फाळ करिके। एठि गोटे कंचा लंका, रसुण एठि 10 कला रसुण को चप करि नैछि। आउ एठि नै आइछि जीरा, हलदी गुंड, लंका गुंड। आउ एठि दीटा आलू को मुई पर काट नहीं लुण आ तेल। एम तेल देद दुई चामच तेल दे गरम हवा को दबा। एठ जीरा दे देले, कंचा लंका, रसुण, बस 10-15 सेकेंड पर चलते ये सान दीटा पिज मुझे मीडियम फ्लेम रे 2-3 भाजी देव पिज को। आलु पकेदबा। एठी कभर दे दबा लो टू मीडियम फ्लेम रे 2-3 मिनट पई। कोबी पकड़ कभर न देकी 3-4 मिनट भाजी ना। एबे एठी मु बड़ बड़ खंड रे पियाज काटिक नहीं आड कर देली। लुण भी देद आठ हलदी गुंड, लंका गुंड देद। पियाजटा मुझे गोटा आड कर खाइले भल लगे भजारे। आठ मुझे अलग मसला आड करनी कारण यहाँ छोट छुआ भी खाईपर बड़ लोक भी खाईपर बहुत मसला आड कले राग लगे छोट छुआ खाईपरती छोट छुआ मैंने लंच बक्स भी नहीं जापर से मुझे मसला आड करनी। आपन जदि चाहिए तेल मसला भी आड करें। एब
ଏବେଠୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ମୁଁ କଭର ଦେଇଦେବି, 12-15 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ମଝିରେ ମଝିରେ କଭର ବାହାର କରିକି ଆପଣ ଭାଜୁଥିବେ। ଏଠି ଏହିପରି ମଝିରେ ମଝିରେ କଭର ବାହାର କରିକି ଭାଜି ନେଉଥିବେ। ଏବେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କଭର ଦେଇଦେଉଛି ଠିକ୍ସେ ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ। ଏଠି 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଳୁ ବି ସିଝି ଯାଇଛି, କୋବି ବି ସିଝି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଚେକ୍ କରିଥିଲି। ଏଇଠି ଆମର ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ ଇଜି ପ୍ରୋସେସରେ ଆଳୁ କୋବି ଭଜା ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସର୍ଭ କରିବା। ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଏଇଠି ଆଳୁ କୋବି ଭଜା। ଖାସ୍ କରି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏ ରେସିପିଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ମସଲା ବି ପକାଇବା ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଖାଇପାରନ୍ତିନି, ରାଗ ରାଗ ଲାଗେ। ତ ଆଜିର ଏଇ ସିମ୍ପୁଲ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।